हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। मैं डीआरएक्स विकास, आप देख रहे हैं डीबी प्रो एजुकेशन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जेएनएम नर्सिंग 2024 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और बात करेंगे आज किस वीडियो में, हम टॉप प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट की। ठीक है, टॉप प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट क्या होने वाली है, टॉप प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जेएनएम नर्सिंग कोर्स करने के लिए प्यारे बच्चों जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जिनमें भी कौन से टॉप, ठीक है, टॉप जो प्राइवेट कॉलेज है उनके बारे में हम बात करेंगे, जो आईएनसी से अप्रूवल है। ठीक है, आईएनसी से अप्रूवल बेस्ट कॉलेजों की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और बात करेंगे एडमिशन लेने से पहले जरूर आपको ये वीडियो देखना होगा। ठीक है, क्योंकि आप एडमिशन ले लोगे तो आपको यही पता नहीं होगा ये कॉलेज है आईएनसी से अप्रूवल है नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता होना जरूरी है। अगर आपको पता होगा तो आप इस चीज़ से बच सकेंगे, आपके टाइम प्लस में आपका पैसा ये सारा बर्बाद नहीं होने से बच सकेगा। क्योंकि आप अगर ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लोगे जो कि आईएनसी से अप्रूव नहीं है, तो आपका सारा पैसा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आपको इसलिए क्या देखना होगा, आपका टॉप प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट प्लस में आपको क्या देखना होगा, आईएनसी से अप्रूवल कॉलेज आपको देखने होंगे कि कौन कौन से कॉलेज उत्तर प्रदेश में आईएनसी से अप्रूवल है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूवल है। बहुत से बच्चों के मेरे पास कॉल आए थे, बहुत से बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे हैं, मैं कमेंट्स भी रीड कर रहा था, तो मोस्टली बच्चों के यही क्वेश्चन निकल रहे थे, सर कौन से कॉलेज आईएनसी से अप्रूवल है। कॉलेज के नाम भी मेंशन कर रहे थे बहुत से कि सर ये कॉलेज आईएनसी से अप्रूवल है नहीं है, सर टॉप कॉलेजों की लिस्ट लेकर आइए, आईएनसी से अप्रूवल कॉलेजों की लिस्ट लेकर आइए। तो उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही बेहद अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में हम बहुत ही कुछ खास आपके लिए बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कहना चाहूंगा, आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार प्लीज छोटा सा एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उससे फायदा आपका होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास में आ सकेगी। ठीक है, यह सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। और आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल डीबी प्रो एजुकेशन व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे इंस्टा के साथ में आप नहीं जुड़े हों तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डीबी प्रो एजुकेशन के टेलीग्राम के साथ में जरूर जुड़िए। क्योंकि अगर कोई भी वीडियो ऐसा होता है जिसमें हमको प्रोवाइड कराने में टाइम लगता है और नोटिस पहले आ जाता है, तो हम तुरंत बच्चों के साथ में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जल्दी शेयर करनी होती है तो हम तुरंत नोटिस से टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना होगा, उससे आपको फायदा बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बहुत ही बेहद खास यह वीडियो होने वाला है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखना ताकि वीडियो पूरी समझ में आ सके। ओके, चलते फिर हमारे टॉपिक की तरफ। कॉलेज की लिस्ट में आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है, टॉप कॉलेजों की लिस्ट बताऊंगा आईएनसी अप्रूवल। और ऑल ओवर भी अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ पे जाकर भी आप ऑल ओवर देख सकते हो। आईएनसी यानी ऑल इंडिया के जो आईएनसी से अप्रूवल है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो ऑल इंडिया में अप्रूवल कॉलेज है, स्टेट वाइज आप देख सकते हो 1x1। ओके, मैं आपको लेकर चलता हूँ पीडीएफ की तरफ। ठीक है, ठीक है, ये आपकी पीडीएफ ओपन हो चुकी है। देखिए, भारतीय उपचर्य परिषद यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल को हिंदी में क्या बोला जाता है, भारतीय उपचर्य परिषद के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आईएनसी अप्रूवल यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल जिसको बोला जाता है, भारतीय उपचर्य परिषद से जो अप्रूव कॉलेज हैं, ठीक है, इससे जो लॉग इन कॉलेज है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो लिस्ट ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, स्टेट यानी हमारी स्टेट वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज जितने भी स्टेट हैं इंडिया में सबकी स्टेट वाइज हम लिस्ट देखेंगे अल्फाबेटिकली। ठीक है, अल्फाबेटिकली हम लिस्ट देखेंगे। ओके, अब देखिए, नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफरिंग जीएनएम प्रोग्राम यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी ने जिनको भी, जिन कॉलेज को भी जीएनएम प्रोग्राम ऑफर कर रखा है, इंस्पेक्टेड अंडर सेक्शन 13 और 14 ऑफ आईएनसी एक्ट फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22 का यह प्रोग्राम लागू हुआ है। ठीक है, 21-22 के बाद में अभी रिपीट नहीं हुआ है, रिपीट होगा तब मैं आपको बता दूंगा। जो 21-22 की जो लिस्ट पड़ी हुई है मैंने आपको यह बता दिया, अभी नया यह शेड्यूल लागू नहीं हुआ है कि भाई कौन कौन से कॉलेज ऐड हुए हैं आईएनसी से और कौन कौन से हटे हैं। ठीक है, वो अभी लागू नहीं हुआ है, वो अभी नया नोटिस आया नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ आपके उत्तर प्रदेश में कौन कौन से कॉलेजेज हैं जो कि आईएनसी से अप्रूव है। अगर आप अदर स्टेट की भी देखना चाहते हो तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो वो, यानी आप जानते हो कि भाई हमें राजस्थान की चेक करनी है तो आप राजस्थान की चेक करते हो, मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा हो डीबी प्रो एजुकेशन, उसमें आपको पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, देख लो। अंडमान निकोबर की सबसे फर्स्ट में दे रखी है आंध्र प्रदेश की। ऐसे दोस्तों इसमें सभी कॉलेज यानी एक स्टेट में जितने भी कॉलेज है ना सब यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो अपने को मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर चलना है हमें, तो कौन सा, उत्तर प्रदेश के ऊपर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। ओके, उत्तर प्रदेश आपको जाके मिलेगा, भाई देखिए नीचे कहाँ जाके मिलेगा, उत्तर प्रदेश
देखिए आप जैसे ही नीचे स्वीप अप करते आओगे तो आपका उत्तर प्रदेश किसके बाद में आ रहा है भाई, उत्तर प्रदेश आपका त्रिपुरा के बाद में आ रहा है, ठीक है। 1481 से आपके कॉलेज स्टार्ट है, ठीक है, 1481 से आपके कॉलेज स्टार्ट है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं AKG फर्स्ट कॉलेज है, वो कौन सा है, AKG इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ठीक है, जो कहाँ है, भवानीपुर में है, ठीक है, चंद्रिका देवी रोड बागसी का तालाब लखनऊ में स्थित है, ठीक है, लखनऊ का कॉलेज है AKG इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बनवारी भवानीपुर में, ठीक है, यह उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ में यह स्थित है। प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट में आपके लिए बताने वाला था और ये प्राइवेट कॉलेज है। बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहे थे कि भाई सर हमें सीट वाइज बताइए कॉलेज में कितनी सीट होती है, भाई सब कॉलेजों में अलग अलग सीटें होती है, कितना बड़ा कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग उसको सीटें दी जाती है। मोस्टली सीटें होती है वो 40-50 सीटें होती है एक कॉलेज में, ठीक है, मोस्टली सीटें कितनी होती है एक कॉलेज में, 40-50 सीटें उपलब्ध होती है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका AKG इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है उसमें आपके 40 सीटें हैं, ठीक है, कितनी सीटें आरक्षित है भाई, 40 सीटें हैं। आप दूसरा देखिए, यहाँ पे अभिषेक नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकमान्य तिलक नगर वार्ड नंबर 5 चांदौली, ठीक है, कहाँ पे है, चांदौली में है उत्तर प्रदेश, तो इसमें 40 सीटें हैं आपका। अगला आप देखेंगे ऐसा नर्सिंग कॉलेज नियर रोडवेज बस स्टैंड नाजियाबाद में, ठीक है, नाजियाबाद में इसमें 20 सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आप एक एक करके आप ये लिस्ट देख लीजिए, आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी PDF सेंड कर दूंगा। अगर वैसे आप देखोगे 1x1 तो 1x1 तो आपके करीबन है उत्तर प्रदेश में 160 कॉलेजेज हैं, कितने 160 कॉलेजेज हैं, वो सारे कॉलेज की लिस्ट आप देख लीजिए एक एक करके, ठीक है, मैं आपको एक एक बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, घंटे भर चाहिए कम से कम एक वीडियो का। आप देख सकते हो कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, आप देखिए यहाँ पे 60 सीटें हैं, किसमें, अपेक्स स्कूल ऑफ नर्सिंग SM प्लॉट नंबर, ठीक है, कहाँ पे है ये, भिकारीपुर में, ठीक है, भिकारीपुर में है उत्तर प्रदेश वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में, जिसमें 60 सीटें हैं। अगला है आपका आशीर्वाद नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसमें 60 सीटें हैं प्राइवेट, ठीक है, सूटेबल है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे BCM कॉलेज ऑफ नर्सिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ पे, सीतापुर में, जिसमें 35 सीटें हैं। बहुत से कॉलेजों में 50 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, बालचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग सीटें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो बच्चों के जो मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, सर टॉप प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट बताइए हमें, INC से अप्रूवल कॉलेजों की लिस्ट बताइए, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही बेहद अच्छा होने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा कॉलेज आपको देखना है आपके नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट में। आपको क्या देखना होगा, सबसे फर्स्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट देखना होगा, डिस्ट्रिक्ट जैसे कि आप आगरा में लेना चाहते हो तो आगरा में आप देख सकते हो देव स्कूल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, आगरा में देव, और ये कुसुम्बनी में देख सकते हो हम, कौसम्बी में कौन सा है भाई, दानपति देवी हो गया, ठीक है, लखनऊ में आप देख सकते हो डॉक्टर अचल सिंह का हो गया, ठीक है, सब अलग अलग। अगर आप जिस कॉलेज में लेना चाहते हो, आपको जौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है, ठीक है, आप जौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसमें आप कॉलेज देख सकते हो उस लिस्ट से, ठीक है। आपके स्टार्टिंग हुई थी भाई 1481 से, आप देख सकते हो टोटल कितने कॉलेजेज हैं UP में, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश के कितने कॉलेजेज हैं, ठीक है भाई, अभी उत्तर प्रदेश के चल रहे हैं आपके कॉलेज, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आपके कॉलेज चल रहे हैं आप देख सकते हो। बाकी आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाके PDF देख सकते हो भाई, ठीक है। गोमती नगर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब भैया अभी तो काफ़ी चलेंगे, लखनऊ में देख सकते हो आप, यहाँ पे 60 सीटें आ रही हैं, मोस्टली 60, 40 और 50 एंड 50-60 सीटें इतनी होती है। देखिए यहाँ पे देख सकते हो ST&T नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें 30 सीटें आरक्षित हैं। देखते चलिए भाई, काफ़ी कॉलेजेज है, अगर 1x1 में आपको बताऊँ ना तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, करीबन आपको घंटे भर चाहिए, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश आपका चल रहा है भाई, उत्तर प्रदेश के कॉलेजेज अभी चल रहे हैं, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। INC से अप्रूवल कॉलेज आपके UP में करीबन 160 कॉलेजेज हैं, कितने, INC से अप्रूवल 160 कॉलेजेज हैं अभी उत्तर प्रदेश आपका चल रहा है भाई, और कब तक चलेगा ये देखते रहिए भाई। यहाँ पे देखिए 60 सीटें सूटेबल प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट में आपके लिए बता रहा हूँ, ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेज। देखिए उत्तराखंड आ चुका है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड आ चुका है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जस्ट बाद में उत्तराखंड आ चुका है, यानी कि यहाँ पे आपका लास्ट कॉलेज बचा है वो कौन सा बचा है, विवेकानंद स्कूल ऑफ नर्सिंग विवेकानंद हॉस्पिटल, कहाँ पे है भाई, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में, कहाँ पे, मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश में यह कॉलेज स्थित है, जिसमें 50 सीटें। अब ये मत देखना भाई जो सबसे नीचे है वो लो क्वालिटी का कॉलेज है, ठीक है, ये तो खाली सिक्वेंस वाइज मैंसन कर रखे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, बाकी आपको पता होगा सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। आपके टोटल कॉलेजेस कितने, आप भी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी भाई, 1481 से हुई थी, यहाँ पे कहाँ पे आके खत्म हुए, 1660 पे, यानी कि टोटल कॉलेज कितने हो गए, यहाँ पे देख सकते हो 1660 में से आप 1480 घटा सकते हो, ठीक है, यानी आपके टोटल कॉलेज कितने हो गए भाई, टोटल कॉलेज आपके हो गए करीबन 160, ठीक है, कितने कॉलेज हो गए भाई, 160।
ठीक है, आप यहाँ पे घटा लीजिए आपके 16, यानी कि आपके टोटल 180 कॉलेजेस हो रहे हैं भाई उत्तर प्रदेश में। आपके 180 कॉलेजेस हैं प्राइवेट के, कितने 180 कॉलेज आपके उत्तर प्रदेश में है प्राइवेट के। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो आप उसमें ले लीजिए। आप इस लिस्ट में देख सकते हो, टेलीग्राम पर मैं ग्रुप पर लिस्ट डाल दूंगा, अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर शो नहीं हुई हो तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आपका कॉलेज INC से अप्रूवल है या नहीं है, स्टेट NOC से, स्टेट से नोटिफाइड है या नहीं है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है अटैच्ड है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं लिस्ट आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आई होप आपके सारी इन्फॉर्मेशन, सारी वीडियो समझ में आई होगी। यही इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाने वाला था, यही इन्फॉर्मेशन मैं मेरे प्यारे बच्चों तक पहुँचाने के लिए काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर आपका टाइम आ गया, मैंने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई वीडियो एक बार अच्छी लगी हो ना तो एक बार लाइक ज़रूर करके जाए, सभी स्टूडेंट्स जिन भी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भाई एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए, एक कमेंट ज़रूर करके जाए कैसी हमारी इन्फॉर्मेशन लगी है। ठीक है, ताकि आप कमेंट करने से हमारा भी हौसला बुलंद होगा, हम तुरंत आपके पास में तुरंत इन्फॉर्मेशन लाते जाएंगे। जो भी हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आएंगे हम सबसे पहले आप तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं भाई, करते हैं वीडियो को स्टॉप, वीडियो को करते हैं स्टॉप। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली कल की लाइव क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।